बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक मिशन 2019 में जीत की रणनीति, मोदी की नीति और पार्टी की विजयी नीयत के साथ खत्म हो गई। दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों को अगले साल के चुनावी महाकुंभ में जीत का नमो मंत्र दिया, जिसकी जानकारी उनके सिपहसालार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश और दुनिया को दी। जो अटल जी के प्रति हमारी सबसे अधिक प्रभावी श्रद्धांजलि और समर्पण होगा, अजय भारत, अटल भाजपा। कार्यकारिणी की बैठक में पीएम का समापन भाषण हुआ। उन्होंने साफ साफ संदेश दिया, या यूं कहें कि निर्देश दिया, कि तर्कों और होमवर्क के आधार पर कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया जाए, जनता को ये बताया जाए कि महागठबंधन के पास ना नेतृत्व है, ना नीति है और ना ही नीयत। बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे साफ है कि आने वाले समय में वो बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंटफुट पर आकर बैटिंग करेगी। कार्यकारिणी में बीजेपी ने विजन 2022 की रूपरेखा रखी, लेकिन मुद्दा मिशन 2019 ही रहा। बैठक से संदेश साफ है, सरकार की उपलब्धियां और नीतियां को जनता तक पहुंचाना और विपक्ष के नकारात्मक कैंपेन का जवाब देना। विजन 2022, लेकिन मिशन 2019 पर काम करना होगा। कार्यकारिणी से बीजेपी ने 2019 में चुनावी जीत का शंखनाद कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि मोदी और शाह तेल की बढ़ती कीमतों और राफेल पर कब बोलेंगे। गैस, डीजल और पेट्रोल, उसमें आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, जनमानस हाहाकार कर रहा है। अजय भारत, अटल भाजपा का नारा मोदी ने उछाल दिया है, लेकिन 2019 में यह जनता तय करेगी कि उसे गोद लेना है कि नहीं। हिमांशु मिश्रा के साथ